सो बहुत दिन बाद कैमरे के सामने बैठा हूँ, मतलब एक अलग सा ही फील आ रहा है। सो एनीवे गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ गायब था, क्या हुआ था, वैसे भी आप लोगों को पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ टाइटल तो है वीडियो का, टाइटल तो ये देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है क्या हुआ था मेरे साथ। सो एनीवे गाइस, स्टोरी है, बताते हैं धीरे धीरे, ओके वेट करो। एंड फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ हेलमेट क्लीन करने के लिए बिकॉज बहुत गंदा हो चुका है। एंड चलो गाइस, 2020 को लात मार के भागा था, 2021 जो है मतलब आ चुका है उसे वेलकम करते हैं अच्छी तरह से, और वैक्सीन आ जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा लाइफ को जीने में, ओके। एंड हैप्पी न्यू ईयर बताना भूल गया था, सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सो चलो लेट्स रोल द इंट्रो फर्स्ट एंड देन मिलते हैं, ओके आगे का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। So hey guys, what's up, good afternoon and welcome back to another vlog. So today's Tuesday, so ghar baithe baithe kaun sa din hai main already bhul chuka hu, so mazak kar raha tha, aaj Tuesday hai, right now the time is 1:30 hone ko ja raha hai. So ek kaam karte hai, bahut din se moto vlog nahi hua to main fatafat lunch kar leta hu, then seedha एक्शन कैम्प में मिलते हैं, मतलब बाइक फाइक लेके एकदम हेलमेट पहन के, और हाँ हेलमेट क्लीन हो चुका है एकदम चकाचक, तो सीधा चलो बाइक पे मिलते हैं, ओके। I remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand. I'm back guys on motorcycle and moto vlogging mode. So yeah, थोड़ा लेट हो चुका है बिकॉज ऑफ घर में कुछ काम था, बहुत चल रहा था, सो दैट्स वाई। सो एनी वे गाइज, इफ यू गाइज डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ कुछ दिन पहले शायद, मतलब जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि 26 और 27 में गाड़ी का, तो हाँ तो फोर्थ सर्विस हुआ था गाड़ी का। एंड उस दिन मैंने क्या किया, टेफ्लॉन कोटिंग, जिसके बारे में मैं किसी और एक ब्लॉग से बता रहा था, तो वो करवाया। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है, एंड उस टाइम पे कुछ वीडियो बनाया नहीं था बिकॉज ऑफ मेरे एक्शन कैम में चार्ज नहीं था, एंड ऊपर से मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं था, सो दैट्स वाई कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था अलग से। तो चलो गाइस, जिस चीज़ के बारे में आज का जो ब्लॉग है, आई मीन वीडियो है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एंड तो चलो थोड़ी बताते हैं आप लोगों को कैसे क्या वो 9 दिसंबर इवनिंग से पूरा मेरे बॉडी पे पेन हो रहा था, एंड थोड़ा वीक फील हो रहा था। देन क्या हुआ, 10th दिसंबर को ऑफिस गया था, मुझे कुछ काम से बाहर निकलना था, तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन उस दिन मतलब मेरा बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, एंड सर्दी खांसी जो था वो मतलब अलग ही लेवल पे बढ़ चुका था। एंड आफ्टर दैट फीवर भी आ गया था शाम को, देन ऑफिस से जल्दी घर लौटा, देन घर लौटने के बाद पूरा सो गया। पापा ने मेरे लिए मेडिसिन ला के दिया, देन वो मेडिसिन का जो डोज है वो 2-3 मैंने लिया, एंड आफ्टर दैट चलो फीवर तो चला गया, लेकिन बॉडी में एक अलग सा पेन हो रहा था, मतलब यू नो, एंड सर्दी जो है वो
काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। मतलब खासते खासते मेरा यार क्या बताऊँ यार, मेरा दिमाग मेरा जो केस है वो भी दर्द करने लग गया था। तो एनीवे देन आफ्टर दैट 11 दिसंबर में फीवर तो नहीं था लेकिन सर्दी खांसी तो अलग ही था एंड बॉडी में पेन हो रहा था। तो देन क्या हुआ, देन 11 को ऑफिस में मेरे ऑफिस में बोला कि एक बार करोना जो टेस्ट है वो करवा ले, कंफर्म हो जाए कि कुछ हुआ है या नहीं। तो मैंने सोचा चलो यार करवा ही लेते हैं, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ है या नहीं वो उससे पता चल जाएगा, बिकॉज घर में मॉम डैड भी है तो एक डर तो है। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, 12 दिसंबर मेरा टेस्ट हुआ एंड शाम तक रिपोर्ट आ गया था। एंड जो रिपोर्ट शाम तक रिपोर्ट आ गया था एंड रिपोर्ट मिलने के बाद पॉजिटिव निकला। तो ये मुझे पता नहीं कैसे हुआ, चलो यार छोड़ो भी जैसे भी हुआ। देन उसी दिन रात को मेरा एक जाना पहचाना डॉक्टर है तो उनसे बात की और कुछ मेडिसिन तो मेडिसिन लिख के दिया मुझे। और अगर आप लोगों का मतलब नहीं हो तो भी अच्छा है, अगर हुआ तो फिर देन डॉक्टर से कंसल्ट करो और जो मेडिसिन वगैरह जो है वो ले लो। तो जो जो मेडिसिन मैंने खाया है तो उसका एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उस दौरान क्या हुआ, मुझे मेरा जो टेस्ट और स्मेल वो चला गया था पूरा और 2-3 दिन बॉडी में पेन था। तो दैट्स व्हाई मैंने कैल्पॉल खाया एंड तो हाँ, तो 2 दिन बाद बॉडी का जो पेन है वो तो चला गया लेकिन सर्दी एंड खांसी जो था वो रह गया था और कुछ और दिन एंड 4-5 दिनों बाद मेरा जो टेस्ट और स्मेल वगैरह जो है वो आना शुरू हुआ। एंड आफ्टर दैट मेरा एंटीबॉडी टेस्ट हुआ 10-12 दिन बाद, शायद 24 दिसंबर को मेरा एंटीबॉडी टेस्ट हुआ। एंड देन टेस्ट में जब रिजल्ट आया तो देखा कि मेरे बॉडी में एंटीबॉडी जो वो फॉर्म हो गया था। तो फिर सीनता देन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया आइसोलेशन पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहो फैमिली के साथ एंड बाहर निकल नहीं सकते हो टिल 31st दिसंबर। तो लेकिन चलो यार मैंने उतना ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, लेकिन मैंने निकलना शुरू किया था वो 26 दिसंबर से, बिकॉज मेरा कुछ काम था उसे ख़त्म करना था बिफोर 31st दिसंबर। तो दैट्स वाई थोड़ा सावधानी से काम लिया, एकदम पूरा स्वेटर बोलो जैकेट बोलो हुडी बोलो ये सब पहन के मैं बाहर निकला था बिकॉज ठंड नहीं लगना चाहिए। बिकॉज अगर ठंड लग जाएगा तो फिर देन प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, सो दैट्स वाई डॉक्टर ने माना किया कि ठंड लेन नहीं लगना चाहिए। तो यही था सीन, या कोविड पॉजिटिव था एंड एक्सपीरियंस वॉज आई मीन हॉरिबल। पूरा घर में आई मीन 20 दिन बैठा था, पूरा बोर हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा जो ईच एंड एवरी डे का एक वीडियो फुटेज जो कुछ रिकॉर्ड करके रखते, लेकिन मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था बिकॉज एक तो घर में बंद था पूरा दिन एक ही रूम पे, देन और वीडियो वगैरह ये सब बनाने का कुछ मन भी कर नहीं रहा था। तो दैट्स वाई
तो ठीक होने के बाद कुछ दिन मतलब यार आज तो 6 तारीख है, तो 4-5 दिन खुद को टाइम दिया, थोड़ा बाहर निकला, थोड़ा बहुत घुमा फिरा, तो कुछ अलग से कुछ आई मीन वीडियो बनाया नहीं था, सो दैट्स वाई चलो न्यू ईयर पे ये एक आई मीन बैड न्यूज़ के साथ गुड न्यूज़ भी डाल देते हैं सोचा। बैड न्यूज़ जो है वो कोरोना पॉजिटिव में था, एंड गुड न्यूज़ जो है वो मैं आई मीन फिट हो चुका पूरी तरह से, एंड या हैप्पी न्यू ईयर गाइस, सेफ रहो एंड जल्द से जल्द यार वैक्सीन आ जाए, बस जीने का मज़ा जो है वो और आ जाएगा। तो बस यही था स्टोरी, मेरा स्टोरी आई मीन कोरोना वायरस का जो एक्सपीरियंस, तो यही था। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने नॉर्थ कोलकाता, देन घर वापस आ जाऊँगा मिलने के बाद। तो ये जो 20 दिन था, इस 20 दिन में घर बैठ के बहुत सारा खाना खाया, टीवी देखा, गेम खेला, देन और क्या क्या किया, बहुत सारी वीडियो देखा, फिल्म देखी, ये सब किया घर बैठ के। मतलब क्या बोलूँ यार, करुणा के साथ, मतलब मान लो कि करुणा मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड, तो दोनों एक साथ एक ही घर में बैठे थे लाइक वनवास जैसा फील हो रहा था मुझे। स्टोरी इतना ही था, और क्या बताऊँ, आप लोग सेफ रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, एंड और क्या, सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करते रहो, बस यही है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाकी ब्लॉग आएगा धीरे धीरे, ब्लॉग आना शुरू होगा, तो राइट तक कुछ प्लान वगैरह कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड या डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन राइट सेफ, स्टे सेफ वेयर एवर यू आर, एंड प्लीज गाइस यार कमेंट करके बताओ कि 2021 का जो इंट्रो मैंने बनाया, मतलब वीडियो में इंट्रो जो है वो तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, तो इंट्रो कैसा है ये कमेंट करके बताओ, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, देन प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, एंड और क्या, चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन स्टे सेफ, राइट सेफ व्हेरेवर यू आर, ओके। Tell us that our love has died. I wish I could have known.